में चलता तो हमें मज़ा आ रहा होता, टीवी पे ना ये हजम नहीं हो रहा क्योंकि इसका फॉर्मेट ही फिल्म वाला बना हुआ है पूरा। अच्छा, प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छी है, यानी कि जो उन्होंने पूरा जो माहौल बनाया है, जो जगहें दिखाई हैं, बाकी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो डायरेक्शन पे जब हम जाएंगे मैं बात करूँगी, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट मेन प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया है ना कि हम टीवी पे फिल्म टाइप टेक्निक बना के चलाएंगे बिकॉज वहाँ पे हीरो बड़ा हीरो लगता है, वो यहाँ पे नहीं चल रहा बिकॉज लार्जर देन लाइफ एंड ओवर टॉप जो एक्टिंग होती है ये बड़े स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है, छोटे स्क्रीन पे ये एग्जैजरेटेड और आर्टिफिशियल लगती है जो हम सबको नज़र आ रही है। और आई थिंक ऑल्सो जहाँ तक इस बच्चे का ताल्लुक है, आई थिंक हारून किदवानी नीड्स टू स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल ऑल्सो, तो ये जब हम उस पर जाएंगे मैं बात करूँगी, बिकॉज मैं ये इनफैक्ट मैंने इनके वालिद से भी बहुत ये बात की हुई है कि आप इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ही नीड्स टू वर्क विद अदर पीपल एज वेल, सो आई विल गेट इनटू इट व्हेन वी टॉक वी स्पीक अबाउट द मेन कैरेक्टर। ओके, बट ओवरऑल आई फील के स्टोरी वाइज ओके डिफरेंट है, अगेन हम बार बार करते हैं सास बहू नहीं है, मुख्तलिफ टाइप ऑफ कहानी है, अभी फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, अल्लाह करे आगे जाके वो कवर हो जाए, जैसे 6 साल का बच्चा बिल्कुल याद रखता है कि क्या हुआ है, उसको आवाज़ें आ रही हैं, गन शॉट्स की आवाज़ें आ रही हैं, माँ बाप की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, अच्छा वो देख नहीं पा रहा क्योंकि मैंने वापस जाके चेक किया वो सीन, देख नहीं पा रहा क्योंकि वो सीढ़ियों पे कहीं बैठा हुआ है, तो ही हैज़न्ट सीन सुहेल समीर का जो रोल है वो उनकी शक्लें नहीं देखी, तो वहाँ पे आप कहते हैं चले एग्जेम्प्ट हो जाते हैं कि जी उन्होंने क्योंकि वो जो मर्डरर्स थे उनको फिजिकली नहीं देखा, वहाँ से वो निकला कैसे, वो उसको लेके कैसे गए, वो अलग कहानी शायद आगे निकाले, शायद उसमें वो याददाश्त चली गई, कुछ और हो गया, बट दे हैव टू शेयर इट बिकॉज राइट नाउ इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज वो भी नहीं दिखाया ना कि इस घर से इस बच्चे को लेके फिर ला के पाला कैसे। हाँ, वो भी आएगा मेरे ख्याल, वो आई थिंक आगे जाके डिस्क्लोज होगा, अदरवाइज देयर इज अ मेजर फ्लॉ इन द स्टोरी, बट फॉर मी इट्स दिस एक्सिक्यूट एंड हाउ यू ट्रीट द स्टोरी। तो यहाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार राइटर ने ऐसे लिखा था कि फ्रॉम राइटर्स टेबल टू स्क्रीन भंड हुआ है, ये जरा मुझे अभी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें आगे जाके एपिसोड्स, आई ओनली सीन द फर्स्ट एपिसोड, सेकंड का, तो आगे जाके जो चीज़ें मुझे जो कंफ्यूज कर रही हैं राइटिंग में अभी, अगर वो खुल जाएंगी तो आई से हाँ इट्स गुड। अभी फिलहाल फर्स्ट एपिसोड में बहुत फ्लॉज हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस एक वो सीन आता है कि रिश्ते वाली वो खाला आई हैं, ठीक है ना, तो वो बच्ची बैठी हुई है बात कर रही है कोमल से कि मुझे ये नहीं अच्छी लगती ये बार बार आपके लिए रिश्ते लेके आती हैं, राइट। हम जब अंदर जाते हैं और कोमल पासेस है, कहती हाय आपकी बेटी तो इतनी प्यारी है, मैंने कहा ये तो बार बार आती है, इसको पहली दफा थोड़ी देखी। एग्जैक्टली, मुझे भी फील हुआ था कि सो द प्रॉब्लम इज नाउ इट वाज दैट राइटिंग और डायरेक्शन, ऑब्वियसली राइटिंग, वी डोंट नो दैट, बट इट कैन बी फिक्स्ड इन डायरेक्शन, बिकॉज़ द थिंग इज दैट मे हैव बीन शॉट डिफरेंटली सेपरेटली एंड दे फॉरगॉटन, मे बी इन राइटिंग वाजंट एंड इन डायरेक्शन दे हैव मेड अ भंड ना, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है स्क्रिप्ट निकाल दें, एडिट पे तो देखा ही होगा सामने, उस वक्त एक उनमें से एक सीन का या एक लाइन निकाल देते, तो वही ना, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आई वुड से आई वुड आल्सो फॉर दिस फर्स्ट एपिसोड फॉर जस्ट बेसिक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग वुड गिव इट अ 4। ओके, अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 16,321, इश्क हुआ से नूरा मखदूम के हिस्से में आए हैं 351, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं। अब बात कर लिया डायरेक्शन की, सैयद वजाहत हुसैन जिन्होंने हमें कई जैसा ड्रामा भी रिसेंटली दिया है, उसके बाद मैं एक बहुत ही एपिक सीन के बारे में बात करूंगा। मैं बहुत अच्छी जर्नी पे था जब मैंने ड्रामा देखना शुरू किया, जहां पे पहला झटका मुझे लगा और शदीद झटका लगा कि ये क्या हुआ है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये डायरेक्टर इतना बड़ा फ्लॉ लेके जाने दे सकते हैं। वो सुहेल समीर गया तैमूर से लड़ने, ये उतरा, ये उसने हाथ ये किया है, स्लो मोशन, 5-3 क्लैशन को पीछे हैं, गन्स हैं, ठीक है, और वो चलता हुआ गया, वो बुलाता है उसको, तैमूर बाहर निकलो, और तैमूर भी आता है पूरी आगे खोल के, और वो कहता है ये वो फलाना, और तैमूर के पीछे भी एक दो लोग गन के साथ हैं, आप पहले एपिसोड के सीन जाके देख लें, गन्स मौजूद हैं, गन्स का टेरर होता है, और वो भी नॉर्मल टीटी नहीं, वो जो भून के रख देगी सबको। उसके बाद 3 डायलॉग्स के बाद मुक्केबाजी शुरू होती है, वो गन्स वाले किधर गए, दोनों तरफ के, उन्होंने कहा अच्छा आप लोग लड़े वो हम जा रहे हैं, हम ताश खेलेंगे, कहाँ गए वो, कवर ले रहे थे, वो वेट कर रहे थे, को समन किया जाएगा तो वो आएंगे, हारून का वेट कर रहे थे। इतना बड़ा भंड कैसे हो सकता है कि आप दिखा रहे हैं पूरे स्लो मोशन में ये गन्स वाले लोग चलते हुए आ रहे हैं, आप प्लीज स्क्रीन पर जरूर लगाइएगा साथ में ये वाला सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से मेरा जो बिलीवेबल फैक्टर था ना, मैंने कहा ये क्या किया है,
कोई बात नहीं होता, तो बाकी चीजें कौन सा सेंस बना रही है? सेंस फैक्ट्री है? मेरा ओपिनियन कुछ डिफरेंट है बेसिकली. अगेन स्क्रिप्ट, अगर आपके पास एक मीडियोकर स्क्रिप्ट भी हो ना तो डायरेक्टर बहुत चीज़ें बचा सकते हैं. एक तो ये फिल्मी स्टाइल चले, दिस इज प्रॉब्ली व्हाट वाज द डिमांड फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस के भी ये करना है आपने. दूसरा ये कि बहुत ऑब्वियस है कि क्योंकि हारून कादवानी इज़ द मेन हीरो इन द होल थिंग, तो उस पर आपने फोकस रखना है. और जो दो लीड्स हैं इनको आपने चमकाना है किसी तरीके से, बाकी सब कुछ डिटेलिंग वीटेलिंग सब आउट ऑफ द विंडो. जो आई वाज शॉक्ड टू वॉच इज द फाइट सीक्वेंस, द फाइट सीक्वेंस टेरिबल, आई वाज शॉक्ड टू वॉच इट. भाई अगर आपने इतनी बुरी फाइट सीक्वेंस दिखानी तो आप ना ही डालें. मैं इतनी बुरी थी कि यानी कि पुराने ज़माने की जो बुरी फिल्में मैं आता था ना उससे भी ज़्यादा बुरी. कच्चा ना वो मुक्के नजर समझ आ रहे हैं ना उसके साउंड इफेक्ट समझ आ रहे हैं. मेरा सवाल तो भी वो ये है, वो गन्स वाले किधर के जो साथ में गार्ड्स आए थे, ऑल द वायलेंस मिसिंग मिस हो गए. उन्होंने कहा कि वो लड़ाई होने वाली है, नहीं नहीं हम अब गन हम चले जाते हैं. मुक्का टेरिबल लुक लाइक आर्टिफिशियल. एक तो द फाइट सीक्वेंस वाज वेरी इट पुट मी ऑफ टोटली. जब मैं खई में फाइट सीक्वेंस कितना खूबसूरत, दूसरा हम रद में कितना अच्छा था फाइट सीक्वेंस. पता है मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो जो तारीफ कर रहे हैं ना इसकी, वो एक्चुअली डायरेक्टर का खाते में नहीं आता. जैसे आर्ट, प्रोडक्शन डिज़ाइन, ये टीम्स होती हैं जो आके आपके ये माहौल बना, वो उनको एक बात दी जाती है और वो माहौल बनता है. और मेरा ख्याल है एडिट के लिए भी एक अलग फर्म हासिल, वो कोई हायर की गई थी जिसने कुछ इसको किया है. नहीं एडिट पे भी आप इतनी चीज़ें आप एडिट में कवर कर सकते थे. जैसे वो रिश्ते वाली खाला, अब इतना बड़ा भंड था वो कि वो आए तेरी बेटी इतनी प्यारी, मेरा मतलब है कि वो कह एक सीन पहले वो बच्ची कह रही कि बार बार आ जाती है आपका रिश्ता लेने. That was a problem. I mean, that should have been fixed on edit, if nothing else. So I think direction-wise, it's quite a pathetic job. Continuity jumps बहुत थे. Continuity jumps भाई, where were the ADs? Why weren't they looking at these things? You know. हर थोड़ी देर बाद उसके कपड़े change हो जाते हैं. नहीं अजीब अजीब चीजें हो रही थी. लड़की का एक जोड़ा लड़की का बदल ही नहीं रहा. अजीब अजीब चीजें हो रही थी. It was like it looked very amateurish actually. Huh. The word is amateurish. It was very artificial. Overall. I was very disappointed because build up इतना करते हैं, marketing इतनी करते हैं और पैसा इतना लगा होता है. I will give the director a 3. आप can't, you have to give, you have to give 4. We can't give a 3. दे दें 3. नहीं नहीं I have given 0 also पहले. वजार को मैं 0 दिया. वो तो prime example थी ना, खास त्यौहार था. Director has to come and figure out what to do with it. But knowing वजाहत वो हर चीज में घुसता है, ये मुझे पता है. फिर तुम्हें यहाँ पता नहीं क्या? To the point. नहीं मुझे लगता है वो director का vision तो उसने किया था. Vision उसका है, करता कोई और है, लेकिन vision loss को justify करता है. या तो ये हुआ है कि ambitious project बहुत हो गया and couldn't be managed. होता है ना कि ओवर द टॉप एम्बिशन आ गया कि भाई ये कर बहुत बड़े स्केल में करना है इस प्रोजेक्ट में. इंटरफेरेंस अक्सर ये होता है कि प्रोडक्शन से ना इतना गलत जगहों पे ना प्रेशर आ रहा होता है. फिर डायरेक्टर को अपना काम करने दें यार, आपको नहीं पता वो पूरा क्या बना रहा है ना, उसके ही नोज व्हाट ही इज डूइंग विद द होल पिक्चर. अब प्रोड्यूसर साइड से अक्सर ये जो प्रेशर आ रहा होता है ना कि नहीं जी वी वॉन्ट द गर्ल्स लुक वेरी ब्यूटीफुल बाकी भाड़ में जाए, और वी वॉन्ट द हीरो टू बी वेर, तो मेरा वो इतना वो प्रेशर आप उधर ले जाते हैं, फिर वो डायरेक्टर भी बेचारा अंडर प्रेशर आ जाता है. बिल्कुल वो मुझे लगता है वो शायद दैट्स द केस इन दिस, कि इन दो लोगों पे फोकस, स्पेशली मेन लीड पे फोकस रखना है, बाकी भाड़ में जाए. अच्छा हैविंग सेड दैट आई मस्ट से कि आई फेल्ट ये जो सोहेल समीर का मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें, उसको गेटअप सूट करें, ओनली पर्सन बट इज अ गुड एक्टर इवन द ओल्ड जेंटलमैन. यहाँ पे मैं एक ऑडियंस को भी कुछ कहना चाहूंगी. मैंने हमारे पहले एपिसोड जो चले तो मैं कॉमेंट्स चेक कर रही थी. ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगी हम यहाँ पे बैठ के जो अपना एक व्यू देते हैं वो हम देते हैं एज प्रोफेशनल्स एंड ऑल्सो पर्सनली, कि भाई मुझे कैसे अच्छा लगा या नहीं लगा. आप लोग जब हमारे कमेंट बॉक्सेस में जब बुराइयाँ करते हैं या गालियाँ देते हैं या वो करते हैं, इट्स अनप्रोफेशनल. हम यहाँ बैठ के ना लोगों को ना गालियाँ दे रहे हैं, ना हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं जहाँ हम पर्सनल अटैक कर रहे हैं किसी पे. एक पर्सनल ओपिनियन है, चाहे मेरा हो, मरीना का, नादिया का, मुकरम का. तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी ऑडियंस से जो ये शो देख रही हैं, एंड माशाल्लाह से बहुत लोग देख रहे हैं, कि हमारा जो आपको फीडबैक आ रहा होता है वो हमारी कोशिश होती है कि हम अपना एक पर्सपेक्टिव दें आपको. अक्सर ये होता है कमेंट्स में मैं देखती हूँ कि ओ आप इससे जेलस हैं, हाँ ये आप उससे वो हैं. दैट्स नॉट द केस. ये फैंस हैं, हम फैंस नहीं हैं. हम एज क्रिटिक्स बात कर रहे हैं, हम क्रिटिक कर रहे हैं, हम अपने ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं. और हमने किसी की तारीफ कर दी तो हम बायस नहीं हो रहे उस बिल्कुल इंसान को वो चीज़ समझ आ रही है. यहाँ पे एक और बात बताऊं, और आई एम श्योर द लेडीज ऑन द सेम पेज,
जब मैं ये शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ तो उसमें एक लाइन लिखवाई जाती है कि नोबडी इज गोइंग टू प्रेशराइज मी टू गिव एन ओपिनियन दैट आई डोंट बिलीव इन. तो मैं आई टेक जिम्मेदारी, मैं पूरी जिम्मेदारी ली, जो बात मैं करती हूँ वो मेरी बात है, किसी और की बात नहीं होती. तो प्लीज़ आप ज़रूर कहें कि जी आई डिसएग्री कि अतीका ने ये ओपिनियन, लेकिन पर्सनल ना अटैक में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देन इट्स वेरी अनप्रोफेशनल ऑल्सो ना. हम गॉसिप, हम एक गॉसिप शो नहीं है, वी आर अ प्रोफेशनल क्रिटिक. और हमें कोई भी प्रेशराइज नहीं करता कि, और यकीन मानिए ये डेढ़ साल से तो नादिया और मरीना जी भी हैं, अतीका जी फर्स्ट सीजन में थी, आज तक ये कहा गया हो आने से पहले कि हमने इस ड्रामे की तारीफ करनी है, या हमें, मुझे एक्चुअली मुझे नहीं पता होता जब बैठ के शुरू होता कि मुझे नहीं पता अतीका जी क्या कहेंगी. हाँ. मुझे मैं जैसे आज आया था, मुझे था कि इश्क हुआ को डायरेक्शन में बहुत नंबर मिलेंगे क्योंकि स्क्रीन बड़ी डिफरेंट है, लेकिन मैं बिल्कुल हैरान हूँ.